गाइस कमेंट बताना ओपन में ठीक लग रहा था या बंद करके, कमेंट करने बताएंगे तो भाई हो जाएगा शूट कमेंट करके। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी गाइस मैं हूँ मनाली में, लास्ट व्लॉग में आप देखा होगा मैं मनाली आया हूँ पूरी फैमिली के साथ में। हमारी पूरी टीम आई है म्यूजिक वीडियो के शूट के लिए, चारों भाइयों के लिए। तो अभी का सीन ऐसा है, तो अभी थोड़ी देर पहले हम मनाली पहुंचे, एक व्लॉग मैंने एंड करा एक स्टार्ट करा है, बिकॉज अभी हमारी स्टाइलिस्ट आने वाली है जो हमारे कपड़े हैं ना चारों भाइयों के, 3 दिन तक हमारा शूट चलेगा म्यूजिक वीडियो का। तो उसमें जितने भी कपड़े हैं वो सारे मतलब स्टाइलिश ले गए कुछ, और कुछ मैं अपने लिए भी लेके आया था। तो देखते हैं किस तरह के कपड़े वो लेके आए, कुछ ज़्यादा फंकी कपड़े नहीं होने चाहिए, बस वो देखना है मुझे। कुछ ज़्यादा फंकी कपड़े मैं डालता नहीं हूँ, नॉर्मल कपड़े डालता हूँ, कोई कोई अगर कोट वगैरह होंगे वो डाल लेंगे, बाकी मैं अपने कपड़े भी लेके आया हूँ। तो हाँ अभी स्टाइलिश आने वाली है, देखते हैं कैसे कपड़े हैं और चूज़ करते हैं, बिकॉज कल सुबह से तुमको निकलना है। अभी मैं वेट कर रहा हूँ स्टाइलिश का, आ रहे हैं उसके बाद फिर देखते हैं। तो ये हमारे साथ में हमारी स्टाइलिश मेगा जैन, तो ये हमारी स्टाइलिश। तो हमारे जितने भी कॉस्ट्यूम हैं सारे मैम लेके आई हैं, तो हाँ। और बाकी मैं भी अपने कपड़े लेके आया था, तो हाँ तो वो अभी तो अभी डिस्कस करेंगे कल हम क्या डालेंगे, क्योंकि कल हमको शूट करना है ना, तो डिस्कस पहले करना पड़ता है क्या कॉस्ट्यूम डालनी पड़ती है ना। तो तीनों भाई आ चुके हैं और तीनों भाई के कपड़े भी आ चुके हैं, तो चलो अब देखते हैं। साहिल देखो स्मार्ट लग रहा है, इसको तो कोई भी इसको तो कुछ कपड़े डाल दो भाई, स्मार्ट ही लगता है, हमको चाहिए बस कपड़े। तो यार हम ये पहन के क्यों जा रहे हैं चप्पर में, अभी बेसिकली ट्राई कर रहे हैं। बंद करो ना चेन। कौन सी चेन? बंदी तो है ये वाली भाई साहब, यार वो लेटर बॉक्स है ये। गाइस यहाँ पे हमको बुला के हमारा रोस्ट किया जा रहा है, हमारी बेइज्जती की जा रही है यहाँ पे, हमको अजीब टाइप के कपड़े पहना के। गाइस कमेंट कर बताना कैसे लग रहा हूँ, ऐसे ये थोड़ा स्टाइल लग रहा है सही मेरे को लगता है। गाइस कमेंट कर बताना ओपन में ठीक लग रहा था या बंद करके, कमेंट करने बताएंगे तो भाई हो जाएगा शूट कमेंट करके। नहीं मैं डाल दूंगा व्लॉग को परसों, यार ये कैसे होता है। पैंट नहीं उतर रही, फिट है। गाइस मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ऐसे ऐसे कपड़े भी आएंगे, नहीं तो मैं कपड़े लेके नहीं आता, कपड़े तो तगड़े तगड़े थे। मैं दिखाऊं कपड़े। चलो इनके कपड़े तो देख लिए, अब मैं इनको अपने कपड़े दिखा दूं जो मैं अपने कपड़े लेके आया हूं। अबे हरी क्या दिख रहा है, इसको हटाओ। गाइस ये जैकेट नहीं डालूंगा, ये जैकेट मैंने इतनी डाल ली ना, ये तो नहीं डालूंगा। तो भी स्टाइलिस्ट की तरफ से ऑर्डर आया कि ये पहनो, चलो पहन के आता हूँ, जल्दी ऑर्डर प्लेस करिए। तो पहला आउटफिट डाल लिया, देखते हैं पास होता है फेल होता है। पास है, पास है। तो भी सेकंड ऑर्डर आया हमारे पास, ये डालना है, चलो आता हूँ। पास है, पास और फेल, पास पास ओ पास भाई। लाजू फोटो में लेता यार, ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है ये वाला, ये तो फाइनल है, तो लेना ही लेना है भाई। मैंने आज तक कभी इस तरह के कपड़े डाले, ये कभी नहीं डाला मैंने। क्या बोलते हैं इसको, लॉन्ग जैकेट लॉन्ग कोट। गाइस मैं आपको पहले ही दिखा रहा हूँ क्या क्या आउटफिट्स होने वाले हैं, तो गाने में देखना, गाने को फुल सपोर्ट करना गाइस, फुल मतलब खतरनाक वाला, मतलब मजा आ जाएगा आपको। गाने गारंटी में देता हूँ, मस्त होगा। तो अभी दो आउटफिट पास हो चुके हैं, अब देखते हैं। और अभी बेसिकली आउटफिट इसलिए डाल रहे हैं बिकॉज 3 दिन शूट होगा, तो 3 दिन में किस किस सीन में क्या क्या आउटफिट होना चाहिए, तो उस हिसाब से पहले फोटो खींच रहे हैं ताकि बाद में दिक्कत ना हो, बाद में सीधे फोटो देख के सीधा डाल लेंगे भाई कपड़े। तो हाँ इसलिए अभी डाल के देख रहे हैं। तो अभी चलते हैं, तीसरा आउटफिट ऑर्डर आया है, चलो तो गाइस ये हमारा थर्ड आउट, ये पास भाई, सारे पास हो रहे भाई। ये मेरा भाई अब तो कुछ तो बात है यार, कुछ तो बात है लौंडे में, कपड़ों में बात है ठीक है। ओ ये क्या कर रहा है, ये होता आउटफिट, ये होता आउटफिट, क्या पहन रहे हैं, मेरा पास हो गया कब के। अब ये भी पास हो गया भाई, पीयूष कुछ भी नहीं लेके आया, एक जैकेट भी नहीं लेके आया पीयूष। मैं गरीब हूँ दिलाई नहीं मेरे को भाई, क्या तूने बोला भाई। गाइस गलती उनकी, उन्होंने बताया नहीं कि यहाँ पे ठंड वाला गाना शूट हो रहा है। इन पे बोलो, ये भाई हमारे मैटर नहीं, देखो यहाँ तो ऑलरेडी ठंड है। गाइस एक बात बताओ, वहाँ पे हल्द्वानी में कितनी गर्मी हो रही है, वहाँ हम जैकेट खरीदते, मैंने बोला था ऐसे, और यहाँ तो बर्फ भी पड़ी है यार, बोला था इन्होंने, ऐसे नहीं बोला ना, कि इनको ऐसे बोलना चाहिए था कि गाने में ऐसे दिखाना है कि ठंड हो रही है, वैसे ठंड हो ही रही है। मैंने ऐसा बोला था कि ठंड है, ठंड के कपड़े ले आने। मेरे तो सारे पास हो रहे हैं, साहिल और मेरा वेट बिल्कुल सेम है, हमारे साइज भी सेम है, वेट भी सेम है, शूज का साइज भी सेम है, सब सेम है, शूज का साइज हमारा भी सेम है ब्रो। अरे हम तीनों का शूज सेम है, पीयूष का भी, हाँ सेम है, हम तीनों का शूज, पता नहीं इसके पैर क्यों बड़े हो गए हैं।
पता नहीं पिछले जन्म में क्या था ये मेढक। पीयूष के तो पूरे कपड़े खरीदने पड़ेंगे। कुनाली के लिए क्या कपड़े हैं खरीदेंगे? तो कुनाली के लिए भी कपड़े खरीदेंगे, बिकॉज ये साइज का नहीं बताना। तो कुनाली के लिए भी कपड़े नहीं ला पाए। तो गाइस फाइनली मेरी सारी कॉस्ट्यूम्स फाइनल हो चुके हैं। पीयूष, साहिल और कुनाली की रहेगी। एक्चुअली साहिल की भी ऑलमोस्ट हो ही गए हैं, लेकिन कुनाली और पीयूष की नहीं मिल रही, क्योंकि कुनाली और पीयूष के भी, पीयूष तो लेके नहीं आया, कुनाली की खरीदनी पड़ेगी। पीयूष की और कुनाली की दोनों खरीदनी पड़ेगी। तो हाँ, अभी जाएंगे मार्केट और खरीद के लाएंगे। मुझे नहीं लग रहा कल कुनाली शूट कर पाएगा। भाई कुनाली को कोई आइडिया नहीं है क्या हो रहा है, हम कपड़े क्यों चेंज कर रहे हैं, क्या है। उसको बोला कपड़े चेंज करने के लिए, कर ही नहीं रहा, कह रहा मैं नहीं कर रहा भाई। उसको म्यूजिक वीडियो लग करना है, लेकिन उसको कपड़े नहीं चेंज करने, बहुत बढ़िया। तो अभी गाइस फाइनली पीयूष और कुनाली के लिए कपड़े खरीद के लिए आए हैं। देखो ये इतने सारे कपड़े अभी अभी जस्ट खरीद के लाए हैं। तो अभी कुनाली जाओ ट्राई करो, जाओ ट्राई करो। तो हाँ, बच्चे के हाथ में फर्स्ट टाइम काम कर रहे हो ना, तो हाँ देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। पता नहीं, मुझे डर से बैठ रहा है। डर बैठ रहा है वो भाई, कितना क्यूट लग रहा है। और पीयूष के लिए भी लाए न्यू कपड़े, पीयूष भी ट्राई करेगा। ये कुनाली की होगी ना। ये कैसे कूद रहे भाई, क्या लग रहा है यार भाई, मजा आ गया। पीयूष और साहिल के लिए भी न्यू जैकेट आई है यार। आपका सेंस तो अच्छा है भाई, कपड़े खरीदने का सेंस तो लग रहा है। आपके बच्चे मस्त कपड़े डालेंगे। मेरे बच्चे सुंदर होना चाहिए बस। आपके बच्चे सुंदर होंगे, और उससे पहले बीवी सुंदर आनी चाहिए। बीवी वो तो यार आपका डिपार्टमेंट है, उसमें हम तेरे कैसे, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते भाई। है वो स्किल है। अरे कुनाली और पीयूष की सेम है। अरे वाह कुनाली, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। और पीयूष के लिए ये लेके आए हैं, ये भी प्यारा लग रहा है। पीयूष भाई ऐसे कपड़े मेरे को क्यों नहीं मिलते भाई, कहाँ से लेके आए हो मेरे को बताना। मॉल रोड खुली थी, मॉल रोड। कितना प्यारा लग रहा है यार। तो अभी गाइस फाइनली कपड़े सारे फाइनल हो चुके हैं, जो भी हम 3 दिन तक शूट पे डालने वाले हैं चारों भाई। कुनाली और पीयूष के लिए तो नए लाने पड़े थे, बट कोई बात नहीं, अब सब एडजस्ट हो गया कपड़े, क्योंकि कपड़े इंपॉर्टेंट है ना। तो फिलहाल अब मैं एडिटिंग स्टार्ट करता हूँ और आपसे मिलता हूँ सुबह कपड़े डाल के, फर्स्ट आउटफिट डाल के। तो अब कल क्या होने वाला है वो आप नेक्स्ट व्लॉग में देखना। इस व्लॉग में मैंने आपको सारे कपड़े दिखा दिए, सारे आउटफिट दिखा दिए, और सबसे मिला दिया डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्टाइलिस्ट, और कल पूरी टीम से मिला देंगे, कैमरामैन, डीओपी सबसे। तो हाँ मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कल सुबह के लिए, मुझे तो नींद भी नहीं आएगी। मुझे ना नई नई चीज़ें करने में ना मज़ा आता है। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा। वो सिंपल सा था, बस कपड़े और वही सेटअप सेट कर रहे थे हम। तो हाँ पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। देख लो कुनाली को संभालना है, बहुत टेंशन है यार। यहाँ तो ट्रायल भी नहीं हो पा रहा, आदमी फैल गए यहाँ पे, हमारे प्रोड्यूसर पीट दिया। तो गाइस कुनाली ने पीट दिया सबको। अगर मैं पिटा, मैंने रो देना है, मैं शूट नहीं लेने वाला, और तुम्हारा बजट बढ़ाना पड़ेगा मेरा पर डे। डायरेक्टर मत पीटना यार, ये तो सारे डेंजरस लग रहे हैं यार, पास आते ना पीटने पाटने आ रहे हैं। पसीना कितना है आपके देखना।